आज तीज का त्यौहार है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी तीजा की रौनक है, छत्तीसगढ़ में भी तीज के लिए महिलाएं मायके पहुंची हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको एक घंटे आठ से नौ क्या दिखाऊंगा ये आपको बताता हूं। देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर है, सबसे पहले आज बता देता हूं कि कौन सी खबर आप देखने वाले हैं। सबसे पहले बात विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले देश के बड़े पहलवान अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी खबर में आपको ई रिक्शे पर बड़ी पड़ताल दिखाएंगे। आपकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, रिपोर्टर हमारी रिपोर्टर रात पर इन्वेस्टिगेशन करने सड़क पर पहुंची हैं, देखिएगा बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट है। तीसरी खबर में आपको छतरपुर में बस में हुई गुंडई की कहानी बताएंगे। बंदूक लेकर बस में चढ़े थे लूटने, फिल्म बना रहे थे देखकर ऐसा लगेगा आप। चौथी खबर में आपसे तनाव को लेकर बात करूंगा। ज्यादा तनाव मत लीजिए, जान चली जा रही है, तनाव लेना ही नहीं है, और मेरी भाषा में अगर कहूं तो लोड नहीं लेना है, मौज में रहना है। पांचवीं खबर में आपको मध्य प्रदेश के खंडवा की स्टोरी बताऊंगा। यूपी के बाद खंडवा में भी भेड़ियों का आतंक सामने आया है। छठी खबर में आपको अंबिकापुर की एक ऐसी कहानी दिखाऊंगा, मजदूर को मारकर जमीन में काट दिया और जमीन पर पानी टंकी बना दिया, ये भी फिल्मी कहानी दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा। सातवीं खबर में आपको तीज की तस्वीरें दिखाऊंगा और आखिर में जाते जाते आपके सेहत से जुड़े कुछ जरूरी खबरें भी बताऊंगा। और हाँ, मोटे हो रहे लोगों पर रिसर्च लेकर आया हूं, जान लीजिए, समझ लीजिए, आपके काम आएगा। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। और खबर क्या है, अब कांग्रेस में मंत्र फूकेंगे जंतर मंतर वाले पहलवान। लाइन बड़ी अच्छी है, क्या बात है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, आपको याद होगा ये कौन चेहरे हैं। उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जंतर मंतर पर ही था, दिल्ली में था, वहां से शो किया करता था। बड़ी लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने, लेकिन आज कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर बता देता हूं। कुश्ती का दंगल छोड़ अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की सियासी दंगल में एंट्री हो गई है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे ठीक एक महीने पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से राजनीति में हलचल मच गई है। भाई साहब, कांग्रेस का हाथ थामने के बाद विनेश और बजरंग ने क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता, इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए, तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। विनेश और बजरंग दोनों कह रहे हैं, बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया, कांग्रेस सबसे पहले आई, बस इसीलिए कांग्रेस के साथ हम भी सबसे पहले आ गए, ये खिलाड़ी कह रहे थे। कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उनके आवास पहुंचे। इससे पहले 4 सितंबर को विनेश और बजरंग ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ही ये कयास लगाया जाने लगा था कि विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले बजरंग और विनेश ने अपने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। रेलवे में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात थे, नौकरी छोड़ दी। अब दोनों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी क्या कह रही है, वो भी सुनना जरूरी है। सुनाइए बीजेपी ने क्या कहा है। ये तो सीधी स्पष्ट बात है, जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, वही पहलवान आज एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। नहीं, कोई किसी में शामिल हुआ, हमें उसमें हमने क्या लेना है। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई
पिछले एक महीने से विनेश फोगाट सुर्खियों में बनी हुई हैं। ठीक एक महीने पहले 6 तारीख ही थी जब विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी और पूरे देश में बधाई का तांता लग गया था। और आज ठीक एक महीने बाद यानी 6 सितंबर को विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। इन दो तस्वीरों में आप देखिए एक महीने में कैसे रेसलर से राजनेता बन गई विनेश। अब इसकी इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं। चलिए शुरुआत 6 अगस्त से करते हैं, सुना देते हैं। 6 अगस्त को विनेश 3 राउंड क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंची। प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने जापान की यूई सुसाकी को हराया जो पिछले साल की चैंपियन थी। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना को हराया और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर गुजमैन लोपेज को हराकर फाइनल में पहुंची थी। जैसे ही विनेश के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने की खबर आई, विनेश को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल गया। क्या कैंपेन चला? लोग इस जीत को तुरंत विनेश के प्रदर्शन से जोड़कर देखने लगे। सरकार पर तंज कसते हुए लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। विनेश को बधाई देते हुए बड़े बड़े नेताओं ने भी प्रदर्शन की याद दिलाई। खूब राजनीति हुई लेकिन पूरे देश को 7 अगस्त का इंतजार था जब विनेश ओलंपिक में फाइनल में खेलने वाली थी। लेकिन 7 अगस्त की सुबह देश को झकझोर देने वाली खबर आई। क्या खबर थी यह भी विस्तार से बता देता हूं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी, सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा था। मात्र 100 ग्राम वजन और दुनिया के सबसे बड़े मेडल को जीतने से चूक गई थी विनेश फोगाट और यह बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था, तब भी खूब राजनीति हुई थी और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि विनेश के साथ कोई साजिश तो नहीं हुई। आज भी विनेश से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए विनेश ने क्या कहा। सुनाइए विनेश फोगाट क्या कह रहे हैं। जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी, बहुत इमोशनल चीज है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहां पहुंची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। विनेश 7 अगस्त की वो तारीख याद नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी विनेश ने कहा है कि वो हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी। जिस प्रदर्शन का बार बार जिक्र हो रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ब्रिजभूषण और यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे ब्रिजभूषण सिंह शरण पर और प्रदर्शन करने लगे थे। खूब हल्ला हुआ, महीनों तक ये आंदोलन चला और इस आंदोलन में खूब राजनीति भी हुई। मैं खुद दिल्ली में उस वक्त इस खबर को कवर कर रहा था। महिला रेसलर समेत तमाम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के बारे में भी बताते हुए आज विनेश भावुक थी। सुन लीजिए क्या कह रही थी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूं कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। फिलहाल सीधे मुद्दे की बात यही है कि अब विनेश रेसलर से नेता बन गई हैं और अब अगले महीने हरियाणा में चुनाव है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा से विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी और लड़ेंगी तो किस सीट से चुनावी मैदान में होंगी। याद रखिएगा, खिलाड़ी इमोशन है हरियाणा के लिए। सूत्रों की माने तो विनेश को लेकर हरियाणा में 2 सीटों पर बात चल रही है। पहली सीट उनकी जन्मभूमि चरखी दादरी जिले का दादरी सीट है और दूसरी सीट उनका ससुराल जींद जिले का जुलाना सीट माना जा रहा है। हालांकि जींद जिले की जुलाना सीट से विनेश की टिकट लगभग तय मानी जा रही है और संभावना है कि 11 सितंबर को विनेश अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विनेश के चुनाव लड़ने पर भी उनसे सवाल पूछे गए, ये भी सुन लीजिए क्या कहा चुनाव को लेकर विनेश फोगाट।
एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक जन्मभूमि है, एक कर्मभूमि है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि विनेश अब कांग्रेस की पूरी तरह हो गई, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कहां से चुनाव लड़ेंगी, जब हमको जानकारी मिल जाएगी तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल अमृत तिवारी दिल्ली जुड़ गए हैं और आज दिन भर इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। अमृत, हरियाणा में चुनाव है और पहलवान और खिलाड़ियों में थोड़ा तनाव है, बताइए क्या है अंदर की खबर अमृत तिवारी? मतदान होगा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला है। कांग्रेस की तरफ से एक सरप्राइज किक दिया गया और वो ये था कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसके पहले भी दो चार दिन पहले ये अटकलें लग रही थी कि इनकी वापसी जो है कांग्रेस पार्टी में होने जा रही है और इनके चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा जो है पहले से ही जारी थी, लेकिन आज इस पर औपचारिक मुहर भी लग गई है। इसमें दो बातें बड़ी खास है कि विनेश फोगाट को लेकर के चुनाव लड़ाने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन बजरंग पुनिया क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पे अभी अटकलों का बाजार गर्म है। जैसा कि आप बता रहे थे, अभी जुलाना से विनेश फोगाट के लड़ने की बात लगभग पक्की मानी जा रही है। हालांकि उनके मातृभूमि है, वहां से भी कहा जा रहा है कि चरखाई दादरी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जुलाना को लेकर सबसे ज्यादा आवाजें उठ रही हैं जो हमें पता चली है। जो अच्छा, ये बताइए अमृत, अंदर की खबर एक ये बताइए कि इन खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरियाणा की राजनीति में कितना उथल पुथल मचेगा और बीजेपी की चिंता बढ़ाएंगे तो नहीं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट? देखिए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट एक चर्चित नाम रहे हैं और पिछले एक सालों के दौरान इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इनकी जितनी भी सेंटिमेंट रहा है वो एंटी बीजेपी रहा है। और जिस तरह से किसान आंदोलन हो या फिर रेसलर्स को लेकर के जो मुहिम छेड़ी गई थी, बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका अंदेशा इसको लेकर ज़्यादा है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के ऑलरेडी बीजेपी के जो है एक खाने में कहा जाए, खासतौर पर जाट समुदाय, खेतिहर समुदाय में एक एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं उस समुदाय को इनके आने से फायदा ज़रूर मिलेगा। कांग्रेस के लिए चुनौती भीतरी खाने ये दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी कांग्रेस में दो फैक्शन है, एक हुड्डा साहब का है और दूसरा कुमारी शैलजा का है, और दोनों फैक्शन में ये पहले से इनके उम्मीदवार पहले से तय माने जा रहे थे कि कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, और इसी की वजह से कांग्रेस भी पशुपेश में है कि इन दोनों को चुनाव लड़ाए तो आखिर कहां से लड़ाए, कहां तो से लड़ाए, लेकिन जहां से भी लड़ाएंगे। सीधे मुद्दे की बात में विस्तार न्यूज में सबसे पहले आपको अपडेट कौन दिखाएगा? अमृत तिवारी ही बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तिवारी आपका। अगली खबर क्या है? ई रिक्शा वाले रात में लाइट क्यों बंद करते हैं? रात में ग्राउंड रिपोर्ट की है किसने? हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर ने। कहां से? इंदौर से। कहीं आसपास जाना हो तो आप अगर अक्सर ई रिक्शा में बैठ जाते होंगे, 10 रुपया 20 रुपया कभी कभी 50 दे देते होंगे, लेकिन रात को अगर आप ई रिक्शे में बैठकर कहीं जाते हैं तो सावधान हो जाइए। आपके जान की परवाह है आपके अपने चैनल को, बस इसीलिए आज विस्तार से आपके लिए खबर लेकर आया हूं। पूरी खबर क्या है चलिए आपको बता देता हूं। कई ई रिक्शा वाले आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? इंदौर की हमारी सहयोगी हैं मीनू ठाकुर, रात को सड़कों पर निकल गई, आपके लिए सड़कों पर निकल गई, केवल आपकी चिंता है, इसलिए बस ये जानने के लिए कि जिस ई रिक्शा टोटो में आप बैठकर आते जाते हैं वो आपके लिए कितना महफूज है, कितना सुरक्षित है। बड़ी पड़ताल की है मीनू ठाकुर ने। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए। ई रिक्शे वाले रात के समय अपनी हेडलाइट को बंद करके ई रिक्शा चलाते हैं। अभी जस्ट बैटरी खत्म हो गई थी, टायर खराब हो गया, बायर दिखता मेरे को, कभी जान चुक जाते तो लाइट बंद रह जाती है, सर चालू रखते हैं। लाइट है रोड पे इसलिए बंद। मेरी गाड़ी में वोल्टेज कम है और बैटरी खत्म हो गई, साइकिल से भी आदमी चलता मैडम दिख जाता है, बैटरी बचाते है, सवारी वगैरह मिलती है तो उसमें कवर करते हैं। ये तो एकदम खटाखट सुना दिया, लेकिन विस्तार से बताएं। रात में निकलकर हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर आपकी सुरक्षा के लिए पड़ताल करने निकली थी, और क्या मिला मीनू को? रात को ई रिक्शा में लाइट ही नहीं जलाते हैं। आप भी बैठते हैं क्या ई रिक्शा में? बताइए, बैठते तो होंगे ना, लेकिन कभी भी ई रिक्शा के हेडलाइट पर ध्यान नहीं गया होगा।
जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं कि ई रिक्शा की लाइट जल रही है या नहीं, भूल जाते हैं ना। लेकिन ये भूल भारी पड़ सकती है, ई रिक्शा चालक की लापरवाही से आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये तस्वीरें तो इंदौर की हैं, सोचिए कितना बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ ई रिक्शा वालों की मनमानी देखकर हैरान हूँ। रात में लोग लाइट नहीं जलाते हैं, जानते हैं क्यों? ताकि बैटरी बचा सके और ज्यादा कमाई कर सके। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ई रिक्शा चालक, सुनाइए। अपने अपनी लाइट बंद की हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ लोग बैटरी बचाते हैं, सवारी वगैरह मिलती है तो उसमें कवर करते हैं लोग। टाइम से आप वहाँ से आ रहे हो तो आपको पता ही नहीं चला कि लाइट बंद है? तो वो ट्रैफिक में सिटी में उतरी, बैटरी डाउन भी, इसलिए मैंने एक बार कर दी थी बैटरी बचाने के लिए थोड़ा। हाँ थोड़ी सी जी, हर की लाइट में इसलिए बैटरी के कारण बैटरी खत्म हो जाती है। बैटरी खत्म हो जाती है? हाँ बैटरी खत्म हो गई है बैटरी बचाने के लिए। बैटरी बचाने के लिए, बचाने के लिए। ज्यादा कमाई के चक्कर में ये लोग ना आपकी परवाह करते हैं ना ही बैठने वालों की। इतना भी क्या बैटरी बचाना भाई। जब हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर पड़ताल के लिए निकली तो कई ई रिक्शा चालकों से बात की, कुछ चालक तो चालाकी बतियाने लगे। जब विस्तार ने उसने गलती पकड़ी तो बहाने बनाने लगे। बहाने भी सुना दीजिए, सुनाइए क्या बहाना बना रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ हाथ रहता है ना, जैसे अब आगे पीछे करने में ये जैसे ये बंद हो गया। हमको चार्ज की थी लेकिन अभी घर जाने का समय है, अभी लाइट बंद हुआ उसका। हाँ की वैल्यू नहीं तो चालू ही रखता हूँ, धान की वैल्यू क्या, लोग मारने बीच में पार घुसते हैं। अलग अलग बहाना है। आपसे ये सवाल बस इसलिए विस्तार न्यूज़ पूछ रहा था ताकि आप सिर्फ बैटरी ही नहीं लोगों की जान बचाने की भी सोचें। बहुत बड़ी संख्या में लोग ई रिक्शा में यात्रा करते हैं, ऐसे में लोगों की सुरक्षा का सवाल है। तो विस्तार न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी से भी बात की, सुना दीजिए वो क्या कह रहे हैं। ये टेंडेंसी गलत है, इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं और कई बार रात में फटल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ई रिक्शा में जो बैटरी है उसका चार्जिंग के आवर्स भी फिक्स हैं और उस चार्जिंग से वो कितना चल सकता है ये भी करीब करीब फिक्स है। अगर ऐसी चीज़ है तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी चीज़ है डीसीपी साहब, ऐसी ही चीज़ है, करिए कार्रवाई। लोगों के जान का सवाल है, पूरी पड़ताल करके आपसे सवाल पूछने गई हैं मीनू ठाकुर। बैटरी बचाइए पर इतनी बैटरी मत बचाइए कि एक जिंदगी बैटरी से ज़्यादा कीमती है। ये मत सोचिए, ये नहीं सोचना। आपको पता है ई रिक्शे की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो ई रिक्शे की खरीदारी तेजी से हो रही है। मौजूदा समय में भारत में 15 लाख से ज़्यादा ई रिक्शे चल रहे हैं। सिर्फ 3 साल में 4 लाख से ज़्यादा ई रिक्शे की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में ई रिक्शे चल रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी संख्या में ई रिक्शा लोग खरीद रहे हैं। अच्छा है आप लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन जान से खिलवाड़ मत करिए। और बैठने वालों से अपील कर रहा हूँ, रात में ऐसे ई रिक्शा पर मत बैठिए जिसकी हेडलाइट्स नहीं जलती है। सावधान रहिए, सुरक्षित घर जाइए। बहुत अच्छी खबर आज ये दिखाने की कोशिश की है मीनू ठाकुर ने। और रात में सड़कों पर निकली है बेखौफ होकर आपकी चिंता करने के लिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई मीनू। इस तरह से खबर लगातार इंदौर से दिखाते रहिए। हम जनता को जनहित की खबर और जनता को खबरदार और सावधान करने के लिए इसी तरह से खबर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका मीनू। चलिए अगली खबर क्या है? गजब गुंडई है, कट्टा दिखाकर बस लूट ले रहे हैं। ये जो आप लिखा हुआ है देख रहे हैं, कट्टा दिखाकर बस लूट ले रहे हैं। छतरपुर में फिल्मी स्टाइल में बस में डकैती हुई है। बस की तस्वीर देखिए, नमन सुपरफास्ट लिखा है। इसी सुपरफास्ट बस में चोरों ने 15 मिनट के अंदर अंदर फटाफट अंदाज में जेवरात पैसे सब लूट लिए। करीब 20 लोगों के साथ छतरपुर में इस बस में लूटपाट की गई। दो बदमाश कट्टा चाकू और लाठी लेकर बस में चढ़े थे। डराने के लिए 3 हवाई फायरिंग भी की, यात्रियों को डराया धमकाया। मंगलसूत्र जेवर पैसा जो हाथ लगा सब लेकर भाग गए। बस कंडक्टर को भी नहीं छोड़ा, भाड़े का पैसा जिस बैग में था वो बैग भी लेकर भाग निकले। इस बस में सवार महिलाएं क्या कह रही हैं पहले सुन लीजिए, फिर आगे खबर को और विस्तार देंगे। सुनिए। चोरों ने हमारी बस में आकर फेर किया और हमारा मंगलसूत्र ले गए। अच्छा। और हमारे बच्चे की सोने की हार ले गए और 20,000 रुपए ले गए।
रास्ते में चोरों ने हमारी बस में आकर फेंक दिया और हमारा मंगलसूत्र ले गए। अच्छा। और हमारे बच्चे की सोने की हार ले गए और 20,000 रुपए ले गए। मंगलसूत्र ले गए, बच्चे की चेन ले गए, पैसे ले गए, लेकिन बस कंडक्टर ने यहाँ बहुत सूझबूझ दिखाई। लुटेरे जिस मोटरसाइकिल से चोरी करने आए थे उसका नंबर नोट कर लिया। मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर ही विजयनगर पुलिस में शिकायत की गई। बस कंडक्टर को भी सुनाइए भाई, बहुत बहादुरी और सूझबूझ वाला काम किए हैं। सुनाइए कंडक्टर क्या कह रहे हैं। हवाई फेर करी, गाड़ी खड़ी करी, बंद करी और सवारियों का पूरा लूटा, फिर पहुंचा, पीछे में बैठा था, बोले कंडक्टर कौन है? तो मैंने कहा, बोले तो पूरी कैश निकाल, पूरा पैसा निकाल, मैंने सब दे दिया। इसके बाद वो लोग भाग गए हैं लूट करके, तो हम लोग पीछे गए तो थोड़ा मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, वो खेत में चले गए, तो मोटरसाइकिल का नंबर लिया, फिर आ गए हम लोग वापस। साहस का काम किए हैं। छतरपुर की बहुत बड़ी घटना है ये। आज इस जमाने में दिन दहाड़े अगर कोई कट्टा बंदूक दिखाकर पूरी बस लूट ले, दिन दहाड़े बस में लूट मचा देना बहुत चिंता का विषय है। घटना की जानकारी जैसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा को हुई तो तुरंत एसपी को फोन लगाया और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें तो बस को लूटना, बस को कट्टा दिखा करके गरीब आदमी से पैसे लूट लिए, ये तो प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ये तो नहीं, इनका इनके इनके आसपास या कोई भी है ये जरा, इसको तो बहुत कड़ाई से एक्शन करो इनके ऊपर। पुलिस ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया और 5 घंटे के अंदर अंदर दोनों लुटेरों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। देख लीजिए, दोनों चोरों के हाथों में हथकड़ी लगी है। यही वो आरोपी हैं जो कट्टा चाकू लेकर लूटपाट मचा दिए थे। एक का नाम राहुल है और दूसरे का नाम राजेंद्र है। पूछताछ में जो सामने आया है उससे यही पता चला है कि दोनों आरोपियों ने बाइक की किस्त भरने बस लूट ले रहे हैं दोपहिया वाहन की किस्त भरने के लिए। गजब डकैत हैं भाई। सुन लीजिए एसपी आगम जैन क्या कह रहे हैं। वो तो भला हो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, जो तुरंत फोन लगाकर कहा कि इनका तो हौसला बढ़ता जाएगा। आपने वीडियो देखा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कि कैसे उन्होंने फोन लगाया और कहा इनका हौसला नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए 5 घंटे में पकड़ लिया गया। गाड़ी की किस्त भरनी है मोटरसाइकिल के लिए, इसलिए बस लूट ले रहे हैं। गजब डकैत हैं। सुनाइए क्या कह रहे हैं जिले के एसपी। जैसे ही राजनगर पुलिस को पता चला, हमारी पूरी टीम एक्टिव हुई और उन्होंने सब प्रकार से जांच पड़ताल करने की कोशिश की और 2 घंटे के अंदर ही लगभग उन्होंने ट्रेस कर लिया। और उसके बाद में दो आरोपी जो प्रमुख हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, राहुल तिवारी और राजेंद्र पटेल, इसमें प्राथमिक तौर पर ये पता चला है कि दोनों व्यक्तियों में से एक ने चूंकि नई मोटरसाइकिल खरीदी थी उसकी किस्त जमा करने के लिए और दूसरे ने गिरवी रखी थी मोटरसाइकिल, तो उसका पैसा चुकाने के लिए प्लानिंग की। 2 घंटे में आरोपियों को ट्रेस कर लिया, बहुत बड़ी बात है। सलाम है पुलिस को और कंडक्टर की सूझबूझ को। गनीमत है चोर पकड़े गए और किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चलिए अब अगली खबर क्या है वो बता देते हैं। अगली खबर दिखा दीजिए भाई। बीजेपी टारगेट के पीछे बहुत तेज भाग रही है, मतलब सदस्यता अभियान बीजेपी ने बहुत तेज कर दिया है। पूरी खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। चलिए अब बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की कर लेते हैं। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है बीजेपी का सदस्यता अभियान, बहुत ट्रेंडिंग में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो टारगेट रखा गया था उसके पीछे कार्यकर्ता भागते नजर आ रहे हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता और अधिकारी खुद अभियान में भाग ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसका रिजल्ट भी जमीन पर दिखाई देने लगा है। आज दोनों प्रदेश की तस्वीर दिखाएंगे कैसे बीजेपी भगवा रंग का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद नए सदस्य बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और बीजेपी के पदाधिकारी। बात पहले मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। आज अभियान का 4th दिन है। भोपाल में अभियान के 4th दिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नए सदस्य बनाने के लिए घर घर जाते नजर आए। तस्वीर देखिए, वीडी शर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर सेजवार के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गौरीशंकर सेजवार को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी के बड़े नेता हैं गौरीशंकर सेजवार। इस मौके पर क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गौरीशंकर सेजवार, सुन लीजिए। तो आज माननीय वीडी शर्मा जी हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे इतना महत्व देकर और एक पुराने कार्यकर्ता को
सदस्यता अभियान की दूसरे सदस्य को बनाया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार संगठन के काम से लेकर के सत्ता में हमेशा उनका मार्गदर्शन और भूमिका रही। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय गौरी शंकर जी भाई साहब को आज सदस्य बना करके मैं भी गौरवान्वित हूं और मुझे भी एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सहजवार जी को मैंने आज सदस्य बनाया है। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा सदस्य बनाएगा। आंकड़ा बता देते हैं, 1.5 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को आज यानी 6 सितंबर तक 51 लाख लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जा चुकी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, बीजेपी बहुत काम कर रही है इस पर। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ दिखाइए भाई, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 50 लाख लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। छत्तीसगढ़ में अभियान का आज चौथा दिन है। चौथे दिन तक बीजेपी ने 4 लाख से ज्यादा सदस्य बना लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए। लगभग 3.2 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 4 दिन में अगर 4 लाख सदस्य बना लिया जाए तो बड़ी उपलब्धि है। आज तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रायपुर के खमारडी बूथ पहुंचकर अभियान में शामिल हुए। आज कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश स्तर के 4 खिलाड़ी समेत बूथ के सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हमारे संवाददाता खोमन साहू वहीं मौजूद थे। खोमन साहू की रिपोर्ट दिखाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खिलाड़ियों को सदस्यता ग्रहण कराई है। जो हम लोग का गेम है कलरीपयट्टू, वो पहले मोदी जी ने ही सपोर्ट किया था, उसके साथ हम लोग खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में हम लोग आ पाए। बीजेपी ने जो है स्पोर्ट्स और युवाओं को, नव युवाओं को प्रेरणा देता है। डी जी है, उन्होंने हमारे गेम कलरीपयट्टू को वापस लाया जो कि अंग्रेजों ने उसको हटा दिया था। जी, इसका विचारधारा और इसकी जो युवाओं के प्रति जो प्रेरणा देने की बात है वो बहुत अच्छी लगी। बहुत बड़े स्तर की तैयारी है, जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो जरूर टारगेट पूरा कर लेगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के जितने भी पार्टी के बड़े नेता हैं वो खुद नए सदस्य बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है जरा सुना दीजिए। 35 के 35 जिला में कहीं हमार मंत्रीमन, कहीं हमार सांसद, हमार कहीं विधायक, कहीं हमार संगठन के बड़े नेता मन जाके ये सदस्यता अभियान के शुभारंभ करी ने, और आज पूरे प्रदेश में बूथ स्तर में ये सदस्यता अभियान हमन शुभारंभ करा था। बड़े मायने हैं, मुख्यमंत्री बूथ स्तर पर जाकर सदस्यता अभियान में भाग ले रहे हैं। इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होना है, यानी कि वार्ड पार्षद महापौर वाला चुनाव। नगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी क्या तैयारी कर रही है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव से पहले बूथ स्तर को मजबूत करने में पूरी तरह से बीजेपी लग गई है। कैसी तैयारी चल रही है और क्या चल रहा है इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री खुद बूथ पर जाकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसके 2-3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला जो बीजेपी ने टारगेट सेट किया है कि छत्तीसगढ़ में 50 लाख लोगों को सदस्य बनाना है, उस मुहिम में मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और छोटे स्तर के कार्यकर्ता सभी जुटे हैं जो एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में। दूसरा, आपने बताया नगरीय निकाय चुनाव है, इसी बहाने वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं कि हम नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी तैयार हो, क्योंकि बूथ पर जो लोग हैं, जो सदस्य बनेंगे, वही वोट डालेंगे नगरीय निकाय चुनाव में। तीसरा, एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश है, जो पिछले 5 साल जो पिछले कांग्रेस की सरकार चली उसमें देखने को मिलता था कि सत्ता और सरकार के बीच टकराव की स्थिति रहती थी, लेकिन यहाँ सत्ता और सरकार के बीच तालमेल दिखाने की जो कोशिश की जा रही है
वो एक बड़ा संदेश है, कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्ट अप करने वाला है। निसंदेह मृगेंद्र, आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल दिखाने की कोशिश और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर ये जो प्रयास है ये बहुत कारगर साबित होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से सदस्यता अभियान में जीतोड़ मेहनत करते हैं तो, जो शुरुआत में दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र। आपके आसपास क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हर चीज से आपको रूबरू कराता हूं। आज फिर एक बड़े विषय पर बातचीत करना जरूरी है। लोग कतराते हैं ऐसे मुद्दे पर बात करने, कतराते हैं, लेकिन हम बात करेंगे। खबर क्या है? बहुत ज्यादा तनाव में मत रहिए, जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर वही मेरी भाषा में, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जिंदगी को मौज में जीना है। मुद्दा क्या है, मुद्दा पता है क्या है आपको? चलिए बता देता हूं, डिप्रेशन। कोरोना के समय से ही डिप्रेशन बहुत आम समस्या हो गई है, जाने चली जा रही है। लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, दोस्तों को, परिवार वालों को पता तक नहीं चलता कि सामने वाला किस परेशानी से गुजर रहा है। डिप्रेशन से परेशान होकर लोग छत से कूद जा रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं, नस काट ले रहे हैं। ये सब आज पता है क्यों बता रहे हैं? इंदौर में एक महिला सूबेदार ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला डिप्रेशन का शिकार थी। तस्वीर देखिए, नेहा ओम शरण शर्मा नाम है इनका। जिस बिल्डिंग में अधिकारी रहते हैं वहां से कूद कर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक समस्या से जूझ रही थी। पति के साथ भी इनका अनबन चल रहा था। अच्छी खासी नौकरी थी, हंसता खेलता परिवार था, अपने पैरों पर खड़ी थी, खुद का कमा रही थी। महिला की प्रतिभा का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि वो कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड में हिस्सा भी ले चुकी थी। देखिए अमिताभ बच्चन के साथ वाली तस्वीर, कितने राउंड पास करके वो यहां तक पहुंची होंगी, सोचिए। इतनी होनहार पुलिस सूबेदार तनाव को नहीं झेल पाई, मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ग्राउंड पर पहुंचे थे, रिपोर्ट देखिए। आज वो जगह है जहां पर नेहा ऊपर से गिरी थी, इस बिल्डिंग के टॉप वाले से ऊपर छत से उन्होंने कूदकर अपनी जान दी है। नेहा इस कैंपस के ठीक पीछे स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के कैंपस में ही शिप्रा टावर में रहती थी, लेकिन वो जो बिल्डिंग्स हैं वो इससे थोड़ी छोटी हैं, तो इस वजह से माना जा रहा है कि वह PTC से निकल के इस कैंपस में खुदकुशी करने के उद्देश्य से ही आई थी। CCTV फुटेज देखिए, महिला सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकली थी। CCTV में अधिकारी जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां जाती हुई दिख रही हैं। देख लीजिए बिल्डिंग की ऊंचाई, 7वीं मंजिल से कूदकर महिला ने अपनी जान दे दी। नेहा अपने पीछे दो दो बच्चों को छोड़ गई। सुना दीजिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे जैसा कि हमने उनके पति से पूछा तो उनके पति का ऐसा कहना था कि वह लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी, बट ये वर्जन सिर्फ उनके पति का है। हमारी विवेचना सभी पहलुओं पे हम विवेचना करेंगे कि इसके अंदर कोई और तथ्य तो नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें भी निकल के आई हैं, तो जिस पर पूरी पूरी एक संपूर्ण विवेचना कर रही है, उसके बाद ही हम कुछ दिनों बाद बता पाएंगे कि एक्चुअल कारण क्या था। पति के बयान के आधार पर DCP साहब बता रहे हैं कि डिप्रेशन में थी। इस मामले से इंदौर में सनसनी मच गई है। मानसिक तनाव से जूझना आम होता जा रहा है, एक रिसर्च बता देते हैं। लेंसेट की रिपोर्ट है, भारत में 19,73,00,000 लोग अलग अलग तरह की मानसिक समस्याओं से गुजरते हैं। इनमें 4,57,00,000 लोग डिप्रेशन और 4,49,00,000 लोग तनाव के शिकार होते हैं। और सुनिए, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा मानसिक बीमारी से परेशान रहने वालों में शहरी युवा हैं जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। आम लोग डिप्रेशन को लेकर क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए जनता क्या कह रही है। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या तो है, लेकिन मौत उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप हो सके तो इसमें दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, थोड़ा सा सोशलाइजिंग में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। कुछ छोटी सी तकलीफ आती है तो हम अपने ही 4 कमरों के अंदर बीच रह जाते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कोई ना कोई रीज़न है जिसके पीछे कोई ना कोई सुइसाइड कर रहा है आज। गंभीरता ही है कुछ किसी ना किसी विषय को लेकर। लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि इस वक्त कोई कुछ जज नहीं कर सकता कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनकी लाइफस्टाइल पे, तो धीरे धीरे चीजें और ज्यादा भी हेक्टिक होती जा रही है लाइफस्टाइल। वर्ल्ड क्लास जिमनास्ट सिमोन
बाइल ने तो मानसिक तनाव के कारण टोक्यो ओलंपिक खेलने से मना कर दिया था। जिम्नास्टिक में फिलहाल सिमोन बाइल से बेहतर किसी को नहीं माना जाता है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो ओलंपिक खेलने से मना कर दिया था। भारत के बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं प्रवीण कुमार। इंडिया टीम में लंबे समय तक जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो खुद को गोली मारने की सोच ली। बताइए, कहा जाता है कि जो लोग खेलते कूदते हैं वो मानसिक रूप से काफ़ी फिट रहते हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास एथलीट डिप्रेशन से नहीं बच पा रहे हैं। कुछ और नाम बता देते हैं, दीपिका पादुकोण। इन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि डिप्रेशन के कारण उन्हें सुसाइड जैसा ख्याल आ रहा था, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें तनाव से मुक्त किया। इनकी तस्वीर देखिए, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल। दुर्गेश कुमार नाम है, पंचायत वेब सीरीज में लोग बहुत पसंद किए हैं इनको। 11 साल में 2 बार डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं लिस्ट में जो मानसिक तनाव से गुजरे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन सभी लोगों ने डिप्रेशन जैसी समस्या को दुनिया के सामने स्वीकारा है। बहुत बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन होगा तो आपको उदासी आएगी, घबराहट होगा, डर सताएगा, अकेले रहने लगिएगा, समय पर नींद नहीं आएगी, हर चीज में नेगेटिव सोचने की आदत हो जाएगी, भूख लगने का समय और तरीका बदल जाएगा, हमेशा कोई ना कोई चिंता सताती रहेगी, हमेशा हमेशा आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। डॉक्टर से भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। डिप्रेशन में अमूमन ऐसे लोग ये शिकायत करते हैं कि डिलीवरी के बाद जो बच्चे होने के बाद जो उनको खुशी होती है बच्चे का एक को लेके, वो चीज़ें कम रहती हैं, रोना आता है, चिड़चिड़ापन आता है, मन अच्छा नहीं रहता है, नींद पूरी नहीं होती है और शरीर में थकान होना, कमजोरी होना, इस तरीके के इत्यादि लक्षण रहते हैं। अगर ये लक्षण 3 हफ्ते से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो हमें इसमें साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। जिंदगी है भाई साहब, उतार चढ़ाव लगा रहता है, कोई परेशानी का ज़्यादा लोड मत लीजिए। बहुत तनाव होता है चैनल चलाने में, पर ईश्वर को याद करते हैं, सब तरफ से सहयोग मिलता है। विस्तार न्यूज़ चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अपने परिवार वालों और दोस्तों को समस्या बताइए, टेंशन ज़्यादा हो तो जगह बदलिए, और हाँ, अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो तत्काल खाली कीजिए, दिमाग में कुछ मत रखिए। कुछ देर के लिए क्या होगा, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, आपके कहने पर कोई बुरा मानेगा, आप अगर कोई बात कहेंगे या तो वो बुरा मानेगा या तो उसको स्वीकार लेगा और कह देगा कि नहीं भाई ये तुम ठीक बोल रहे हो, या तो कह देगा गलत बोल रहे हो। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, होता क्या पता है आपको, आप अपने दिल और दिमाग मस्तिष्क में इतनी सारी चीजें भर लेते हैं और किसी से बोलते नहीं है। शेयर कीजिए, आगे बढ़िए, क्यों तनाव लेना। जान देने से तो अच्छा है ना कि अपनी बात कह दीजिए, कोई टेंशन लेने से तो अच्छा है ना अपनी बात कह दीजिए, मानना हो मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, आगे बढ़ो। काम से ब्रेक लीजिए, कहीं घूमने निकल जाइए, खेलिए कूदिए, दौड़िए भागिए, लेकिन किसी बात का ज़्यादा लोड लेने से बचिए। आपकी ज़िंदगी से बड़ी आपकी पढ़ाई और नौकरी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जान है तो जहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है ये दिखा देते हैं। मजदूर को मार डाला और लाश पर टंकी बना दी, कहाँ की खबर है ये खबर कहाँ की है? अंबिकापुर की है, अंबिकापुर की खबर है। आज आपको फिल्मी अंदाज में चोरी की घटना बताया हूं, अब आपको फिल्मी अंदाज में मर्डर की स्टोरी भी बताएंगे। अजय देवगन की बॉलीवुड फिल्म दृश्यम तो आप लोगों ने देखी होगी, पूरी फिल्म में शव ढूंढने के लिए पुलिस वालों को खूब मशक्कत करनी पड़ती है। बाद में पता चलता है कि पुलिस थाने में ही शव छुपाया गया था। इसी तरह एक फिल्म में मर्डर कहानी अंबिकापुर से आई है, अंबिकापुर से आई। 3 महीने पहले हुए राज मिस्त्री के मर्डर केस में खुलासा हुआ है, बड़ी हैरान करने वाली कहानी, आपको आसानी से समझ में आए इसलिए दृश्यम फिल्म की कहानी बताई। आपको पूरी घटना बताते हैं। 3 महीने पहले सीतापुर इलाके में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण किया गया, यहीं काम करने के लिए संदीप भी आया था, लेकिन 7 जून के बाद से संदीप लापता हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन संदीप जिस ठेकेदार के यहाँ काम करता था, उस ठेकेदार ने संदीप के खिलाफ थाने में चोरी का आरोप लगाया, सरिया सीमेंट चोरी कर फरार होना बताया, पर घर वालों को शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। घर वाले क्या बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए, फिर इसके बाद बताएंगे किस तरह से रहस्यमय तरीके से संदीप को मारा गया था। सुनाइए घर वाले क्या कहते हैं। सीतापुर भी गए आए थे
सीतापुर में भी नहीं हुआ, अंबिकापुर गए थे एसपी कार्यालय के पास, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो इधर आदिवासी संगठन इधर से ये हुआ है कार्रवाई। अंबिकापुर पुलिस 3 महीने तक संदीप को दिल्ली मुंबई में ढूंढती रही, क्योंकि संदीप के मोबाइल का लोकेशन मुंबई के साथ साथ देश के बड़े बड़े शहरों में ट्रेस हो रहा था, लेकिन संदीप नहीं मिला। संदीप मिला कहाँ? जिस टंकी को बनाने जाता था उसी टंकी के नीचे। ये बात तब सामने आई जब घर वालों के शक पर पुलिस ने ठेकेदार के साथ काम करने वालों से कड़ाई से पूछताछ की। ठेकेदार ने संदीप की हत्या कर दी और संदीप के शव को 15 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया। 15 फीट की खुदाई की गई तो संदीप का शव निकला और ठेकेदार का पर्दाफाश हुआ। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, उनका बयान है तो सुना दीजिए क्या कह रहे हैं। 6 आरोपियों का हुआ है, 4 अपने कस्टडी में, 2 की तलाश चल रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। मामले की जांच चल रही है, शव फोरेंसिक विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सीधे मुद्दे की बात यही है कि हत्या करके गाड़ने वाला ठेकेदार अब भी फरार है। अब ठेकेदार मिले तो बताइएगा, बताएंगे कि हत्या की वजह क्या है। जब वो मिलेगा तो बताएगा कि क्यों मारा था, क्यों मजदूर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। जब पूरा खुलासा होगा तो आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अगली खबर क्या है ये दिखा दीजिए। अगली खबर क्या है? मौसमी बीमारी से बचिए, खतरनाक होती जा रही है और जान ले ले रही है, और किस तरह से जान ले रही है आपको पता है, आंकड़ा भी दिखाऊंगा। मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है, कभी तेज बारिश तो कभी धूप, साथ ही उमस भरी गर्मी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते वायरल बीमारियों का प्रभाव बढ़ गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गंभीर बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीमारियों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, समझ रहे हैं आप। देख लीजिए 3 जगहों के मामले दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की है, बिलासपुर में स्वाइन फ्लू ने कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया, स्वाइन फ्लू से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तीसरी तस्वीर दुर्ग की है, यहां भी स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए पूरे मामले को विस्तार से जान लीजिए और पूरी खबर बता देता हूं। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जानते हैं ना, और इंदौर में काफी साफ सफाई रहती है। इसके बावजूद भी इंदौर में डेंगू तेजी से फैल रहा है, लगातार यहाँ डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, यहाँ डेंगू के कुल मामले करीब 350 हो गए। इस सीजन में अब तक डेंगू के कुल 347 केस सामने आ चुके हैं। डेंगू के मरीजों में 190 पुरुष और 124 महिलाएं हैं। इसके अलावा 33 बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। डेंगू के चलते एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, जान चली गई। पिछले 48 घंटों में 28 नए मरीज सामने आए हैं। कल की तुलना में आज नए मामले ज़्यादा आए हैं। डेंगू से बचाव को लेकर क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी, सुनना जरूरी है। सुनाइए अधिकारी क्या कह रहे हैं। क्योंकि डेंगू और मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर है ये साफ पानी में पनपता है, तो हम ये सावधानी बरतें कि हमारे घर और आसपास 7 दिन से ज़्यादा का पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी अगर कहीं स्टोरेज हो रहा है तो उसको समय समय पर हम बदलते रहें। अगर कोई टैंक ऐसा है तो उस टैंक को हम ढक कर रखें। ये छोटी छोटी सावधानी अपनाएं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझें और उसके बचने के उपाय भी हम अपनाएं। मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से करते हैं। दुर्ग में स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा है, मरीजों की कुल संख्या लगभग 30 के पास पहुंच चुकी है। स्वाइन फ्लू से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोगों की जान चली गई। दुर्ग भी धीरे धीरे स्वाइन फ्लू का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लगातार कैंप लगाकर लोगों की जाँच की जा रही है। मामले में दुर्ग कलेक्टर ने क्या कहा है ये भी सुनाना जरूरी है। सुनाइए दुर्ग के कलेक्टर। स्वास्थ्य विभाग का टेस्टिंग कंटिन्यूअसली हो और इनके हॉस्पिटल्स में हमारे पास में बेड इन्होंने सुरक्षित कर लिए हैं, जो पेशेंट्स आते हैं उनको प्रोटोकॉल के तहत इलाज समुचित मिले, और एक अवेयरनेस की गतिविधियां हो ताकि लेट डिटेक्शन ना हो, लास्ट स्टेज में लोग हमारे पास ना आए। जितना जल्दी हो सके अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलते हैं तो जाँच करा करके उनको हम क्लिनिकल हेल्प अवेलेबल करवा सकें।
अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की। यहाँ एक के बाद एक स्वाइन फ्लू के नए मरीज मिल रहे हैं। बिलासपुर शहर का लगभग हर मोहल्ला स्वाइन फ्लू की चपेट में है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है आपको? बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की कुल संख्या 150 के पार हो गई है। बिलासपुर में अब तक कुल 151 केस मिल चुके हैं, समझ रहे हैं ना, 10 या 20 नहीं बल्कि 150 के पार। अभी कुल 55 से अधिक एक्टिव केस हैं। एक दिन में 8 से 10 नए मामले सामने आ रहे हैं और अब तक कुल 8 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है, जान चली गई। मामला बेहद गंभीर हो चुका है और हैरानी की बात क्या जानते हैं, स्वाइन फ्लू को लेकर बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने तक को तैयार नहीं है। बिलासपुर और दुर्ग मिलाकर कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 लोगों। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, जांच कराइए और खुद को बीमारियों से सुरक्षित रखिए। सावधान करना, सतर्क करना, उपाय बताना मेरा काम है, वो मैंने कर दिया है। अब चलिए अगली खबर दिखा देते हैं। और अगली खबर क्या है, आइए तीज मनाएं। आज हर कोई तीज मना रहा है और महिलाएं अपने अपने मायके पहुंची हैं, तो इसलिए इस खबर के बारे में आपको बताना जरूरी है। शुरुआत तीज से की थी तो अब आपको तीज की तस्वीरें दिखा देता हूं। पहले तस्वीर देख लीजिए, फिर अभी क्या माहौल है वो भी दिखाएंगे। दिखाइए, सुबह से सुरभि वर्मा हमारी सहयोगी हैं और सच धज के खड़ी हैं महिलाओं के पास, खूब नाच रही हैं, घूम रही हैं और देखिए जैसे ही मेरे से बातचीत करने आ गई हैं मुस्कुरा भी रही हैं। सुरभि, क्या क्या है आपके अगल बगल दिखा दीजिए, तीज के रंग में अगर कोई रंगा हुआ है तो सुना दीजिए। गजब का उत्साह जो है महिलाओं में है तीज को लेकर के। एक बार मैं आपको, समय हमारे पास कम है इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि महिलाएं, अब जब मैं कुछ देर पहले यहाँ पे आई थी तो बड़े गीत गुनगुना रही थी। दीदी आप लोग जो गाना गा रहे थे वो ऊपर गुनगुना दीजिए ना, हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, तुर्जट माँ विराजे महादेव, जन गंगा की धारा तुर्जट माँ विराजे महादेव, गंगा के ढवा जब हर 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 बोला। महादेव को बुला के मारेंगे आज आप लोग। जब हर 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 बोला गुरु महादेव, विराजे महादेव भगवा के छाला तोरे कमर मा विराज। सब जन उपवास है आप लोग के जी। कल क्या क्या बनाएंगे? कल बनेगी खट्टी सब्जी और मसाले वाली। हमारे तीजा का प्रतीक है जी जी जी, व्रत रहने के बाद खट्टी सब्जी ही अच्छी लगती है और फलाहार करेंगे सब व्रती। साड़ी कितना खरीदे? साड़ी तो बहुत सारी खरीदे हैं। सर ये जो है पुरुष हम पे लगाते हैं आरोप कि हम लोग जो है शादी जो है जो तीजा साड़ी के लिए मनाते हैं, बस सही कहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति देव मेरे लिए नहीं लेते। ले चलिए, बहुत शुक्रिया सुरभि, ठीक है आप मौज मस्ती करते रहिए, लेकिन अब समय हो गया है और देखिए समय क्या हो गया, 8:50। लेकिन आपको क्या करना है पता है, मैं लैपटॉप बंद कर रहा हूँ, पीछे एक नंबर आ रहा है, ये देख लीजिए, ये देखिए 8282824982। विस्तार न्यूज में अगर लगता है कि आपको अपनी खबर चलाना है या दिखाना है या चलवाना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपकी खबर दिखाएंगे।